drama. So open your workbook, page number 19, chapter number 11, gender. So हमने लर्न किया था कल, राइट, कि देयर इज अ फोर कैटेगरी ऑफ जेंडर्स व्हिच इज मस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल. इन द मस्कुलाइन जेंडर देयर आर मेनली वॉइस सेक्शन, राइट, नर्व. तो उसमें ऑलवेज जेंट्स ही आते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स भी आते हैं, फॉर एग्जांपल बॉय, बुल, फादर, ब्रदर एक्सेट्रा. फिर आपको आती है कैटेगरी फेमिनिन जेंडर की. तो उसमें बात करें तो वुमेन, गर्ल्स, मदर, राइट. फिर आता है कॉमन, यानी कि जनरल टर्म्स में, पर वो जीवित होने चाहिए, जैसे कि फेमिनिन और मस्कुलाइन दोनों आ सकते हैं इसमें, चाहे वो चाइल्ड हो या फिर बेटे हो या फिर कोई और हो, पर जीवित यानी कि जिंदा होनी चाहिए वो जेंडर में. देन आफ्टर है लास्ट वन इज अ न्यूट्रल, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, जो जीवित नहीं है, फॉर एग्जांपल बुक, वाटर, मिल्क, ऑयल, गैस एक्सेट्रा, राइट. सो हमने ये एक्सरसाइज ए किया था, राइट. देन नेक्स्ट पेज में दूसरा आपको दिया है लर्न दिस मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन नाउंस फॉर पीपल. तो हम सबके लिए, हमारे लिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप का लिख के दिया है आपको लर्न करने के लिए, जैसे कि कुछ कुछ ऐसा होता है कि मस्कुलाइन में फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है तो उसको बोलेंगे वेटर, तो फेमिनाइन में उसको बोलेंगे वेट्रेस. तो वर्क तो सभी करते हैं, राइट, गर्ल्स करती हैं, बॉयज करते हैं, जेंट्स करते हैं, वुमेन करते हैं, राइट. आजकल के ऑक्यूपेशंस में तो सभी अपने अपने वर्क कर ही लेते हैं, पर क्या होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं नौकर तो नौकरानी, राजा तो रानी, राइट. देन आफ्टर है एम्परर तो एम्प्रेस, वेटर तो वेट्रेस. सो हम ये सीखेंगे मस्कुलाइन और उसके हिसाब से फेमिनाइन. जैसे कि फर्स्ट वन है होस्ट, तो ये डिपार्टमेंट है, ये जेंट्स के लिए, यानी कि ये फॉर बॉयज, मेंस के लिए, और ये वुमेन्स के लिए, राइट. तो अगर होस्ट है किसी फंक्शन का या फिर कोई प्रोग्राम में जो होस्टिंग करता है वो होस्ट है, तो अगर वो लड़का करता है कोई भी, कोई मेन करता है, तो उसको हम बोलेंगे होस्ट. अगर वही काम वो लड़की या फिर कोई औरत वुमेन वो करती है तो उसको हम बोलेंगे होस्टेस, राइट. तो ये फर्स्ट वन है. देन आफ्टर है मास्टर एंड मिस्ट्रेस, राइट, मास्टर एंड मिस्ट्रेस. तो मास्टर जो है जो बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर कोई और प्लेस में भी वो वर्क करते हैं, तो उसको मैन में बोला हो तो मास्टर, वुमेन में बोला हो तो मिस्ट्रेस. देन आफ्टर है पोएम. तो आपको इंग्लिश में पोएम्स आती है, राइट. तो पोएम जो लिखता है उसे कौन कहते हैं, पोएट कहते हैं, जो पोएम लिखते हैं उसको बोलेंगे पोएट, राइट, पोएटर. तो पोएटिस, राइट, पोएट एंड पोएटिस. देन आफ्टर है वेटर. तो नौकर चाकर जो काम करते हैं, राइट, तो वो मेंस है तो उसको बोलेंगे वेटर, अगर वो लेडी है तो उसको हम बोलेंगे वेट्रेस. देन आफ्टर है एम्परर एंड एम्प्रेस, राजा और रानी. बेसिकली हम रानी को बोलते हैं क्वीन, एम्परर एंड एम्प्रेस. देन आफ्टर है डक एंड डकीज. देन आफ्टर है नेफ्यू एंड नीस. तो ये कुछ कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जैसे कि यहाँ देखिए आपको जेंटलमैन तो लेडी, देन आफ्टर हस्बैंड तो वाइफ, ये पेयर्स है, राइट, इसकी लैंडलॉर्ड एंड लैंड लेडी. देन आफ्टर सर तो मैडम. देन आफ्टर है मेन सर्वेंट एंड मेन सर्वेंट. फिर आफ्टर है ब्राइड, ग्रूम एंड ब्राइड. फिर आफ्टर है विजार्ड तो विच. तो कुछ आपको इस तरह से
कि मैडम तो उसका मस्कुलाइन क्या हुआ सर, फिर आपने ऐसा पूछी कि विच तो वो है फेमिनाइन पर उसका मस्कुलाइन क्या हुआ विजा, राइट। जैसे कि ब्राइड है तो ग्रूम, तो उसी तरह से आपको इतने एग्जांपल्स दिए हैं, आपको इसके अलावा भी बहुत सारे आएंगे पर आपको अभी इतने ही करने हैं क्योंकि आपको बुक में इस तरह से सिर्फ इतना ही दिया है ताकि वो आप पहले लर्न करो, देना फिर आपको पक्का आ जाए, फिर आप कहीं पे आप पढ़ो लर्न करो तो आपको कुछ और भी आ जाएगा, राइट। सो मैं फिर से बता देती हूँ कि मस्कुलाइन यानी कि मेंस बॉयज जिसको हम ऑक्यूपेशंस के हिसाब से या फिर कुछ बुलाना होता है राइट उनको तो कुछ इस तरह से बुलाएंगे राइट बुलाएंगे, और फेमिनाइन तो मस्कुलाइन के हिसाब से उसकी फेमिनाइन, तो होस्ट है तो होस्टेस, मास्टर है तो मिस्ट्रेस, पोएट है तो पोएटिस, वेटर है तो वेट्रेस, एम्प्रेस है तो एम्प्रेस, डक है तो डचेस, डकीज, नेफ्यू है तो नीस, जेंटलमैन है तो लेडी, हस्बैंड है तो वाइफ, लैंडलॉर्ड है तो लैंडलेडी, सर है तो मैडम, मेड सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट, ग्रैंड ग्रूम है तो ब्राइड, विजार्ड है तो विच। ओके, यहाँ पर ब्राइड ग्रूम के हिसाब से सिर्फ आप ब्राइड और ग्रूम, यहाँ पे ग्रूम और यहाँ पे ब्राइड, दुल्हन है दुल्हा, राइट। Then after learn this masculine and feminine nouns for animals, जिस तरह से हमारे यानी कि हम सभी में इस तरह से डिवाइड होता है masculine और feminine के nouns, उसी तरह से ठीक animals में भी होता है। जैसे कि बात करें तो हम वो लिख के learn करेंगे, okay? So students, आपको दूसरा वाला दिया है Learn this masculine and feminine nouns for animals. So, start with masculine. तो उसमें आपको फर्स्ट वन दिया है गैंडर, राइट। तो उसका फेमिनाइन है गूस। देन आफ्टर है ड्रैक, तो डक। देन आफ्टर है पीकॉक, तो पीहेन। देन आफ्टर है हॉर्स, तो मेन। Then after a fox, तो vixen. Then after a he goat, तो she goat. Then after दूसरे पे एग्जाम्पल है राइट लायन तो lioness, राइट। तो आप इस तरह से एनिमल्स में भी इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं फिर से बता देती हूँ कि मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, तो ये एनिमल्स की बात है। हमारा जो था वो पहला वाला इस तरफ और इस तरफ फिनिश हो गया। अभी बात करेंगे एनिमल्स यानी कि जानवर की, तो गेंडर तो गूस, ड्रैग तो डक, पीकॉक तो पीहेन, हॉर्स तो मेन, फॉक्स तो विक्सन, ही गॉट तो शी गॉट। अभी आप नेक्स्ट वन देखिए एक्सरसाइज बी, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको जो एक्सरसाइज दी गई है तो जिस भी वर्ड में नीचे लाइन की हुई है उसके जेंडर को आपको चेंज करके फिर से वो सेंटेंसेस को लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन दिया है द एक्टर प्लेड द रोल ऑफ एन एम्परर, राइट। तो एक जो एक्टर है जो एक्टिंग करता है तो उसने क्या किया, एम्परर का रोल जो है वो प्ले किया यानी कि राजा, तो उसका रोल जो है प्ले किया, तो उसका आंसर क्या बनेगा। तो एक्टर के नीचे लाइन है और एम्परर के नीचे लाइन है, तो अभी जेंडर को तो चेंज करना है, तो एक्टर को चेंज करके वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्ट्रेस, और एम्परर को चेंज करके एम्प्रेस यानी कि महारानी, राइट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ एन एम्प्रेस। तो एक जो कलाकार है लेडी कलाकार, राइट, एक्ट्रेस ने रोल को प्ले किया एम्प्रेस का, राइट, एम्प्रेस का। तो एक्टर जो था उसने एम्प्रेस का किया, अभी एक्ट्रेस जो है उसने महारानी का रोल किया। देन आफ्टर है सेकेंड वन, The wicked queen spoke to the bride. तो
बुरा भला कहा। तो लाइन कहाँ दी है, क्वीन के नीचे। तो क्वीन का जेंडर चेंज करके हम वहां लिखेंगे किंग। द विक्ट किंग स्पोक टू द ब्राइड और ग्रूम। तो यहाँ पे ब्राइड के बदले क्या आएगा, ब्राइड ग्रूम, राइट। तो क्वीन के बदले किंग और ब्राइड के बदले आएगा ब्राइड ग्रूम, राइट। तो किंग ने है, किंग ने जो क्या किया, वो दूल्हे को बहुत बुरा भला कहा या फिर कुछ सुनाया। फिर आफ्टर है माई नीस इज अ पोएटिस। तो नीस, तो वो क्या है, पोएटिस, तो वो पोएम जो लिखती है वो, पर वो लेडी है, राइट। तो हमें उसमें चेंज करके नीस का क्या होगा, नेफ्यू। माई नेफ्यू इज अ पोएट, राइट, नेफ्यू, और पोएटिस का हुआ पोएट। देन आफ्टर है फोर्थ वन, द विक्सन एंड द पी हैन देन डांस इन द रेन। विक्सन और पी हैन ने कहाँ डांस किया, बारिश हो रही थी वहां पे, विक्सन यानी कि लोमड़ी। तो विक्सन को चेंज करके वहां पे हम लिखेंगे फॉक्स, और पी हैन को चेंज करके वहां पे क्या लिखेंगे, पिको। द फॉक्स एंड द पिको एंड डांस इन द रेन। फिर आपका है लास्ट वन, द वेटर सेड सर हियर इज योर सैंडविच। तो आप देखिए वेटर के नीचे नाइन है और सर के नीचे भी नाइन है, तो वेटर का हो जाएगा वेट्रेस और सर का हो जाएगा मैडम। सो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, द वेट्रेस सेड मैडम हियर इज योर सैंडविच। तो ये था आपको जेंडर चेंज करके लिखने वाले कुछ वर्ड्स। देन आफ्टर एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी। सो हियर इज द चैप्टर इज नाउ फिनिश्ड जेंडर, राइट। यू हैव टू लर्न बोथ ऑफ द वीडियोस, देन आफ्टर राइट डाउन इन योर ग्रामर स्कोर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।